चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और आज बात करने वाला है स्विफ्ट डिजायर वीडिया की, जो कि लगभग 4.5 साल पुरानी है और इसका लगभग 1,77,000 इसकी रीडिंग दिखा रहा है। तो क्या मारुति की गाड़ियाँ जो है लॉन्ग टर्म में लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, उनका रिजल्ट वैल्यू भी अच्छा होता है, तो उसी बारे में इस वीडियो में बात करने वाले। अभी फ़िलहाल मैं स्विफ्ट वीडिया एक बार चला चुका हूँ, डीजल वाली डिज़ायर चलाने का फर्स्ट टाइम है, पर लगभग सेम फीलिंग आ रही है, टिपिकल डीजल गाड़ी, पर पावर बहुत ज़्यादा लीनियर है, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। इनिशियली जो है पिकअप पेट्रोल गाड़ी के कंपैरिजन में तो थोड़ा कम है, वो चलेगा, पर पावर डिलीवरी जो है लीनियर है, आउटपुट अच्छा है। आवाज़ थोड़ा टिपिकल जो है डीजल गाड़ी जैसा आ रहा है, पर कंसिडरिंग किलोमीटर ये इतनी चली है तो उस हिसाब से इसका मुझे ड्राइविंग क्वालिटी, इसकी राइड क्वालिटी, सारी चीज़ें जो है एक टिपिकल जो 30-40 हज़ार किलोमीटर चलती है गाड़ी उस हिसाब से लग रहा है। तो सच में ये चीज़ होती है कि मारुति के इंजन जो है वो अच्छे हैं, उनकी बाकी सर्विस जो अच्छी है, गाड़ी भले ही सेफ्टी कितनी है वो उसकी बात नहीं करेंगे हम, मैं इंजन परफॉर्मेंस की बात करूँगा। और जिस तरह से अभी मैंने अभी इनसे बात हुई है जो ओनर है, ये गाड़ी बेचने अभी वाले हैं तो इसकी रिसेल वैल्यू भी उनको अच्छी मिली है। तो सबसे ज़्यादा बेहतर पॉइंट ये है कि जो खरीदने वाला है इस गाड़ी को, उसको भी पता है कि गाड़ी कितनी चली है, फिर भी इस गाड़ी के लगभग 5 लाख रुपीज़ वो देने को तैयार है और डील हो चुकी है उनकी पक्की। तो ये है मारुति की क्वालिटी की, जो अश्योर करता है कि आप कितने भी किलोमीटर चलाइए मारुति रिसेल होगी तो अच्छे दाम में रिसेल होगी। टाटा का आपको पता ही है, टाटा का तो काम कितने भी अच्छी गाड़ी हो आपकी थोड़ी पुरानी हो जाए रिसेल वैल्यू ख़त्म हो जाता है। मारुति का ये अभी बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगी है कि 4-4.5 साल हो चुके हैं, 1,77,000 इसकी रेटिंग हो चुकी है, फिर भी रिसेल वैल्यू अच्छी आ रही है, गाड़ी की कंडीशन भी सच में अच्छी है। बाकी आप ये चीज़ छोड़ दीजिए क्योंकि ओनर अभी हमारे जो है थोड़ा आलस करते हैं गाड़ी साफ़ करने में, तो गाड़ी के ये जो आप धूल मिट्टी देख रहे हो वो छोड़ के देख लीजिए, पर गाड़ी की कंडीशन सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। और यही था, मुझे तो चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, दिक्कत नहीं लग रहा है, पिकअप अच्छा आ रहा है। बाद में अगर बात कर लूँ तो फ्यूल इफिशेंसी की, तो फ्यूल इफिशेंसी भी मुझे लगता है कि 20 के नीचे तो देती नहीं होगी ये गाड़ी, 20 का देती होगा ना एवरेज, 20 के ऊपर ही एवरेज है। अभी यहाँ पर दिखा रहा है 22.2 KMPL का एवरेज यहाँ पर दिखा रहा है। तो ओवरऑल सारी चीज़ें देखकर मेरे को लग रहा था 1,77,000 तो ये गाड़ी का सारा पूरा काम ख़त्म हो गया होगा, पर नहीं, ये चीज़ नहीं है। तो चलिए, ये तो थी सारी चीज़ें जो मैं ड्राइविंग करते समय एक्सपीरियंस जो मुझे लगा वो मैंने बता दी। अभी इसको थोड़ा डीप में एनालाइज़ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंजन परफॉर्मेंस की। तो इंजन परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए इसके, तो इनिशियल में पावर थोड़ी कम है, मिडिल और हायर इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, गाड़ी बहुत अच्छी तरह से पुल करती है वहाँ पर। तो इंजन परफॉर्मेंस में मुझे कहीं पर भी निराशा नहीं हुई है इंजन परफॉर्मेंस। और इसी और एक वजह थी कि एसी भी शुरू था, तो उस वजह से भी था कि परफॉर्मेंस कहीं थोड़ा कम ना हो जाए, पर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा था इंजन से। ये तो हो गई इंजन की बात। बाकी अगर बात की जाए कि मैंने बोला कि गाड़ी की कंडीशन अच्छी है, तो मैंने इंजन के हिसाब से कहा है, मैंने इसका एक्सटीरियर या इंटीरियर के हिसाब से नहीं कहा मैंने कि जो इंजन यूज़ की है। तो बाहर से आपने देखा कि ऐसे डेंट्स लगा है, कहीं पर स्क्रैचेस है, वो सारी चीज़ें है, पर इंजन परफॉर्मेंस मैटर करता है, वो आप चीज़ें बाकी रिपेयर भी करवा सकते हो। ओनर जो है थोड़ा एक्सटेंसिव यूज़ करते हैं गाड़ी को, फिर भी इंटीरियर्स का भी इतना मुझे ऐसा नहीं लगा कि ख़राब हो चुके हैं, बहुत इंटीरियर्स का क्वालिटी अच्छी है। अभी बात करते हैं इसके कंफर्ट की। तो मैंने बोला कि राइड क्वालिटी अच्छी है, तो अगर एक बात की जाए मारुति की गाड़ियों की, उसके हिसाब से तो अच्छी ही है, पर जब मैं इसको कंपेयर करता हूँ, अभी मैं जैसे कि टाटा टियागो चलाता हूँ, तो मुझे थोड़ा उतनी ज़्यादा प्लांटेड नहीं लगी ये गाड़ी, थोड़ा हल्का सा स्टिफी सस्पेंशन है इसमें, स्टिफनेस तो है ही मारुति में, वैसे भी प्लांटेड नहीं लगती है गाड़ी ज़्यादा, थोड़ा इसमें और कंफर्ट जो है राइड क्वालिटी वो अच्छी और हो सकती थी। स्पेस में तो अच्छी है ही गाड़ी, बाकी आप सारी चीज़ें आपको तो पता ही है, डिज़ायर कोई नई गाड़ी तो है नहीं मार्केट में। तो रिसेल की अगर बात की जाए सेकेंड हैंड गाड़ियों की, ये एक कारण हो सकता है मारुति में कि इंजन परफॉर्मेंस जो है उनका अच्छा है, एवरेज मारुति अच्छा निकाल के देती है, तो इस वजह से ही इनका रिसेल वैल्यू ज़्यादा आता है। बाकी ऐसा एज मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें इस गाड़ी में है, सभी ठूस ठूस के भरी है, ये भी बात नहीं है ना।
तो अगर इसको कंपेयर किया जाए हल्का सा टाटा के साथ में, टियागो नहीं सॉरी, टाटा के साथ में अगर इसको कंपेयर किया जाए तो टाटा में आप देखोगे कि लोग बोलते हैं कि इंजन परफॉर्मेंस जो अंडर पावर है। तो एक बात मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए अभी टियागो का वेट है 991 किलो तक, टॉप मॉडल का कर्व वेट, और डिज़ायर का 950 केजी तक, यानी 30 किलो से ज़्यादा है टियागो का वेट। और सेगमेंट तो देखिए, टियागो एक हैचबैक है, डिज़ायर कहाँ पर एक कॉम्पैक्ट सेडान है। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें आ जाती है, टॉर्क टू वेट रेशो जो है टाटा का थोड़ा गड़बड़ा सा जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा वेट है उस हिसाब से फिर गाड़ी का परफॉर्मेंस आता है। मारुति लाइट वेट गाड़ी बनाती है, एवरेज अच्छा निकल के देती है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो यही चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की आज, मुझे भी कुछ चीज़ें देखने को मिली। तो यही था आज का पूरा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इसी तरह से मैं वीडियो बनाते रहता हूँ ऑटो और टेक रिलेटेड कंटेंट्स पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। गाइस वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो।